सो फ्रेंड्स, ये एक तरफ से आप पूजा करते हुए ना देखने को आपको मिलेगा, ये आप घाट पे देखोगे ना, वाओ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सब लोग साथ में पूजा कर रहे हैं। भाग्य इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि हम जा नहीं पाएंगे। बोलिए छठी मैया की, बोलिए छठी मैया की। फ्रेंड्स, पहली बार हम लखनऊ में छठ पूजा में आए हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये सारे पूजा के बारे में बहुत ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज छठ पूजा, जैसा कि आपको पता है, तो छठ पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। और मोस्टली ये बिहार में पहले मनाया जाता था और अब अपने यूपी में भी मनाया जाता है, और आप देख सकते हैं ना बहुत सारे लोग कितने अच्छे से, मतलब ढोलक वोलक के साथ में आ भी रहे हैं। तो आप लोग तो हार्दिक बधाई। इसके साथ साथ हम आ चुके हैं ना छठ घाट पे, लक्ष्मण मेला मैदान में। यहाँ पे बहुत ही, मतलब हजारों की तादाद में लोग आते हैं, पूजा करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात कि यहाँ पे ना आज हमारे जो चीफ गेस्ट है ना, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, और मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। तो फिर चलिए, फिर हम भी इसमें शामिल होते हैं और चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको वीडियो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ना यहाँ सिक्योरिटी की भी बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे हर जगह पुलिस तैनात आपको दिखाई देंगे, और पूरा बंदोबस्त किया गया है। तो चलिए फिर हम भी करते हैं यहाँ से। फाइनली भैया, हम लोग पहुँच चुके हैं लक्ष्मण मेला जो है छठ पूजा घाट वहाँ पे, और यहाँ का ना जो व्यू है बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आप देखेंगे ना, बहुत ही लोग इतना खूबसूरत है। पहली बार हम इतने जहाँ पे, मतलब इतने भव्य रूप से छठ पूजा होगी ना, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं लखनऊ में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ना लखनऊ में, लखनऊ की छठ पूजा। तो ऐसे हम मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आप देख सकते हैं ना कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये बढ़िया पंडाल वगैरह बन रखा है, और थोड़ी देर में ना हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारे लोग, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे जो मुख्यमंत्री जी आने वाले, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे चेयर वगैरह लगी है, और जो प्रोग्राम वगैरह होगा ना, वो थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह जो भी है, वो एकदम जबरदस्त है। चलिए थोड़ा सा हम घाट की तरफ चलते हैं, और वहाँ का हम आपको प्यारा सा नजारा दिखाते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके घाट पे। यहाँ पे आपको हजारों की तादाद में लोग दिखाई देंगे पूजा करते हुए, ये आप देख सकते हो। और यहाँ आप देखेंगे ना, काफी सारे लोग आए हुए हैं अभी। तो ये हम आपको एक साइड का नजारा दिखा रहे हैं, बाकी अगर इधर साइड की हम बात करें ना, इधर साइड में भी आपको ऐसे ही बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, और थोड़ा सा दिखाते हैं, और आप देखोगे यहाँ पूजा वगैरह स्टार्ट है। फ्रेंड्स, आप देख लो ना यहाँ पे, मतलब कितने ही विधि विधान से पूजा की जा रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ना, काफी लोग, ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ हमें इस पूजा के बारे में नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये एक तरफ से आप पूजा करते हुए ना देखने को आपको मिलेगा, ये आप घाट पे देखोगे ना, वाओ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सब लोग साथ में पूजा कर रहे हैं। आगे इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि हम जा नहीं पाएंगे। और दोस्तों, घाट पे तो हम आ चुके। अब ये देखो आप, पानिया इसमें बनी है सीढ़ियाँ, ठीक। ओ माई गॉड, अब देखते हैं ना कि ऐसे हम अचानक से नीचे ना चले जाए। कोई बात नहीं, गीला हो जाएगा कपड़ा, कोई बात नहीं। पूजा में आए तो कुछ तो होगा ना। और चलिए हम आपको ना थोड़ा सा दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ना कि इतना ज्यादा ये गहरा है कि हम पूरे भीग चुके हैं, पूरे नहीं मतलब आधे भीग चुके हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ से ना,
सारे लोग पूजा कर रहे हैं और आगे से भी आप देखोगे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और ये घुमाइए कैमरामैन, थोड़ा सा फोकस करिए इधर, ये सब आप देखेंगे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब हजारों से भी ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, लाखों नहीं बोल सकते लेकिन हजारों से ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। तो आपको कैसा लग रहा है लक्ष्मण घाट में आकर के और ये हमारा वीडियो देख करके, ये आप जरूर बताना। तो चलिए फिर थोड़ा सा और दिखाते हैं कुछ। बोलिए छठी मैया की, बोलिए छठी मैया की। वाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, मतलब इतना अद्भुत नजारा, इसको हम बोल सकते हैं इतना अद्भुत नजारा है, कभी हमने मतलब ऐसे देखा नहीं है। देखो देखो फ्रेंड्स, ये भी हमें मिल चुकी है ये भी हमें मिल चुकी है। और ये देखोगे आप, ओह माय गॉड, और हम लोग ना पानी में डूबे हैं, ये देखिए पानी में डूबे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। सो फ्रेंड्स, पहली बार हम लखनऊ में छठ पूजा में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सारे पूजा के बारे में बहुत ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि पुत्र के लिए इसकी व्रत रखते हैं ना, पुत्र के लिए, घर की सुख संपदा के लिए। हाँ, पुत्र के लिए और घर की सुख संपदा के लिए रखते हैं। और थोड़ा सा और बता दीजिए, क्योंकि हमें इसके बारे में, लंबी उम्र के लिए भी रखते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए, छठ पूजा में पति की भी लंबी उम्र। अच्छा, ये देखिए ये चीज हमें फ्रेंड्स नहीं बताती, तो ये चीजें बता रही है। इसमें पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा को शुरू किया जाता है। अच्छा, जिन दिन का व्रत होता है, ये खरना होता है, नहाए खाए होता है पहले, फिर खरना होता है, फिर आज का दिन होता है जो संध्या अर्घ के नाम से जानता है, और फिर कल सुबह, कल सुबह प्रातः अर्घ होगा, जिसमें प्रातः अर्घ करने के बाद ही पूजा समाप्त हो जाएगी। मतलब सूरज देवता जब निकलेंगे उसके बाद पूजा समाप्त। देखिए बेसिकली सभी लोग उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं, उनको जल देते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को नहीं, लेकिन वो बहुत जरूरी है। अच्छा। इसलिए जरूरी है कि वो इस चीज के प्रतीक है कि कल हमारे पास बहुत अच्छा दिन आने वाला है, जब वो जाएंगे तभी हमारा दिन अच्छा होगा, आने वाला सुबह बहुत सुंदर होगा, आने वाला जीवन हमारा अच्छा होगा, इसलिए उनका भी प्रणाम करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है दीदी की तरफ से और बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ी कुछ खास चीज हमें इसके बारे में, छठ पूजा के बारे में नहीं पता थी, लेकिन अभी काफी सारी चीज हमें पता चल चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी अर्घ दिलवा लेना, उसके साथ भी तुम लोग अपनी फोटो खिंचवा लेना, तो 2 मिनट आप और वेट करिए चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। लगाया जा रहा है, आप अभी लगा लो डुबकी, तनवी जी से हम बोल रहे हैं आप भी डुबकी लगा लो। तो चलिए पूरा पूजा का प्रोसेस आप देखिए। आप सो फ्रेंड्स, हमने भी पूजा कर लिया आप देख सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये शादीशुदा या सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए ही कर सकते हैं, आप पुत्र के लिए, ये आप अपने सुख समृद्धि के लिए भी इसकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ आप ऐसी पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पहले पता नहीं था और फिलहाल अभी पता चला है, तो इसीलिए हमें भी अच्छा लगा। और दीदी हमें बताई कि आप भी इसको सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए पूजा कर सकते हैं, इसलिए हमने भी पूजा कर लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए फिर आप थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हम लोग की पूजा वगैरह हो चुकी है, और ये लोग भी दूर से ही हाय कर रहे थे, करीब से कर लीजिए। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत मजा आया, वाह मिल रहा है। और भी आप देखेंगे यहाँ पे ना पूजा वगैरह भी हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। चलिए फिर चलते हैं फिर आगे और देखते हैं।
फाइनली दोस्तों हम लोग बाहर आ चुके हैं पानी से और हम लोग अपनी चप्पलें वप्पलें भी मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा दिया और बिल्कुल आपको मजा तो जरूर आया होगा। और छठ पूजा में ना हम तीनों सहेलियां भी मिल गई। ये देखिए ये दो तो पहले ही थे, बिछड़ी हुई यार भी हमारी मिल गई तो हम तीन तिकड़ी हो गए थे। तो बहुत ही मजा आया, बहुत इंजॉय किए। तो चलिए यहाँ पे भीड़ आप देखोगे ना बहुत ज्यादा, मेरा कैमरा जो है वो लड़ते हुए चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।